बेस्ट पीसी बिल्ड अंडर 30,000 रुपीज। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमको ये कमेंट करके पूछा था कि भाई हमको एक ऐसा पीसी बिल्ड बताओ जो कि 30,000 रुपीज के अंदर में हो और जिसमें हम जो है फुल एचडी में वीडियो एडिटिंग कर सकें, 4K में एडिटिंग कर सकें, गेमिंग हम कर सकें, कोडिंग कर सकें, प्रोग्रामिंग कर सकें या फिर ट्रेडिंग कर सकें। देखो आप ये वाला जो है पीसी बिल्ड अपना दो जगह से आप जो कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट आप अमेजोन से भी ये खरीद सकते हो। सभी पार्ट्स का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मैं दे दूंगा जहां से आप अमेजोन से ले सकते हो। या फिर अगर आप मार्केट से 4,000 से 5,000 रुपये सस्ता लेना चाहते हो तो आप जो है डायरेक्ट इसको जो है techpc7.com से आप जो है ऑर्डर आप कर सकते हो जो कि मार्केट से 4,000 से 5,000 रुपये सस्ता मिलेगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको जो है अपना 500 रुपीज़ का कूपन कोड दूंगा TGBX500, जिसको आप जो है टोटल में अगर आप इसको ऐड करोगे तो 500 रुपीज़ का इंस्टेंट फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि अंडर 30,000 आप जो है इस तरह का पीसी बिल्ड करो तो फिर वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चल सके कि किस किस चीज़ के साथ जाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने मेहनत का पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको जानना बेहद जरूरी है ताकि आपका सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको प्रोसेसर आपको कौन सा लेना चाहिए। तो देखो प्रोसेसर के लिए ना हमने इसमें राइजन की तरफ से आने वाला राइजन 7 5700G वाला प्रोसेसर लिया है जिसकी प्राइस मार्केट में आपको 15,000 से 20,000 रुपए के आसपास में आपको मिल जाएगा। अब देखो ये वाला प्रोसेसर हमने क्यों लिया, क्योंकि देखो जो हमारा बजट है ना उस बजट में हमको जो सबसे अच्छा यानी कि वन ऑफ द बेस्ट जो प्रोसेसर है वो यही प्रोसेसर है। इससे बेहतर प्रोसेसर आपको जो नहीं मिल सकता इस बजट सेगमेंट के में, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसिंग स्पीड और आपको जो परफॉर्मेंस जो आपको मिलेगा ना बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है 4K में 2 से 3 लेयर तक अगर आपको एडिटिंग करना है, गेमिंग करना है, कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है, स्टॉक मार्केट में अगर आप जो है ट्रेडिंग करते हो तो वो भी करना है तो इजीली आप इसमें कर सकते हो। राइजन 7 5700G वाला जो प्रोसेसर है इसमें आपको जो है 8 कोर और 16 थ्रेड मिलता है, 20 MB का कैसे है और इसमें आपको जो है 4.6 GHz तक का मैक्स बूस्ट स्पीड आपको देखने को मिलता है और इस प्रोसेसर में ना आप जो है अप टू 3200 फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ तक का रैम ये वाला प्रोसेसर आपको सपोर्ट करता है और ये वाला प्रोसेसर रन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 65 वॉट ये कंज्यूम करता है और इस प्रोसेसर में आपको जो है AMD की तरफ से आने वाला रेडियन ग्राफिक जो कि वेगा 8 वाला ग्राफिक है वो आपको मिलता है, जिससे कि अगर आप कोई गेमिंग करोगे या फिर वीडियो एडिटिंग करोगे उसमें परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और इस प्रोसेसर के साथ आपको जो है हीट सिंक फैन आपको जो है पहले से ही इसमें आपको फ्री आपको मिलता है और ये वाला प्रोसेसर आपको जो है 3 साल की वारंटी के साथ आता है। इसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जहां से आप ऑनलाइन ले सकते हो या फिर आप डायरेक्ट जो है मार्केट से बहुत ही सस्ते प्राइस में TechPC7 से आप ले सकते हो। अब जान लो कि आपको मदरबोर्ड आपको कौन सा लेना चाहिए। तो देखो मदरबोर्ड के लिए हमने जो है इसमें जो है MSI की तरफ से आने वाला B450M A Pro Max मदरबोर्ड लिया है जो कि 5,000 से 6,000 रुपए के बीच में आपको जो है इजी में आपको मिल जाएगा। और ये वाला मदरबोर्ड लेने के पीछे मकसद ये है कि बजट सेगमेंट के पीसी बिल्ड में ना ये वाला मदरबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पीसी बिल्ड करने में। अब देखो ये वाला आपको मदरबोर्ड आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये वाला मदरबोर्ड में आपको जो है 1st, 2nd, 3rd जनरेशन का AMD Ryzen का प्रोसेसर ये सपोर्ट करता है और आप इस मदरबोर्ड में अप टू 4133 तक का रैम इसमें यूज कर सकते हैं DDR4 वाला, जिससे कि ये वाला मदरबोर्ड लेने से फायदा यह है कि इन फ्यूचर अगर आप जो है प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहते हो और जो है रैम ज्यादा मेगाहर्ट्ज़ वाला लगाना चाहते हो तो आपको मदरबोर्ड आपको चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक तरह से आपका फ्यूचर प्रूफ मदरबोर्ड भी हो गया, तो ये वाला मदरबोर्ड लेने का ये फायदा है। इसके साथ ही इस मदरबोर्ड में और एक खास बात यह है कि इसमें टर्बो M.2 NVMe का जो है एक अलग से स्लॉट इसमें दिया गया है जिसमें आप जो SSD लगाओगे ना वो आपका अप टू 32 Gbps/s तक का स्पीड आपको इसमें प्रोवाइड को करेगा, यानी कि स्टोरेज डिवाइस जो लगाओगे उसका प्रोसेसिंग स्पीड भी आपको जो है बहुत ही अच्छा खासा इसमें आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही MSI के इस मदरबोर्ड में आपको जो है ऑडियो बूस्ट टेक्नोलॉजी का यूज इसमें किया गया है, जैसे कि साउंड का जो आउटपुट है ना उसका क्वालिटी आपको जो है बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। MSI के इस मदरबोर्ड में आपको जो है एक्स बूस्ट का फंक्शन आपको देखने को मिलता है, जिससे कि अगर आप इस मदरबोर्ड में कोई भी USB डिवाइस या कोई भी स्टोरेज डिवाइस लगाते हो ना तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, जिससे कि आपका जो परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा मिलता है। मान लो कोई भी USB डिवाइस या कोई भी डिवाइस हमने लगाया उससे हमने डेटा ट्रांसफर किया तो वो बहुत ही फास्ट आपको जो है इसमें डेटा ट्रांसफर स्पीड आपको देखने को मिलेगा। और ये वाला मदरबोर्ड आप जो है किसी भी ATX कैबिनेट में यूज आप कर सकते हो, जैसे कि साइड में आप देख पा रहे हो ये भी ATX कैबिनेट है, तो कोई भी अगर आप जो है ATX कैबिनेट अगर यूज करोगे तो उसमें ये मदरबोर्ड इजिली फिट आपका हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि रैम आपको जो है कौन सा लेना चाहिए। तो देखो रैम के लिए हमने जो है XPG 8 Data की तरफ से आने वाला एक ही रैम लिया है जो कि 16 GB का रैम है जो कि 3,000 रुपये के आसपास में आपको जो इजिली मिल जाएगा। अब जान लो कि ये वाला रैम आपको क्यों लेना चाहिए। देखो इस रैम में ना आपको जो है
10 साल का वारंटी मिलता है और एक बजट सेगमेंट के अंदर में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको ये वाला रैम आपको निकाल कर देता है। इसके साथ ही XPG A डेटा के इस रैम में आपको जो है टॉप क्वालिटी का चिप आपको इसमें लगा हुआ मिलेगा, जिससे कि बहुत सालों तक आप इसको जो है बिना किसी परेशानी के इसको आप यूज़ आप कर सकते हैं। सभी पार्ट्स का लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से आप जो है Amazon से आप खरीद सकते हो या फिर डायरेक्ट आप जो है TechPC7 वेबसाइट से भी आप खरीद सकते हो। XPG A डेटा की तरफ से आने वाला SX6000 Pro M.2 NVMe 512GB का SSD जो कि मार्केट में आपको जो है 2600 से लेकर 3200 के आसपास आपको इजिली मिल जाएगा। अब जान लो कि क्यों हमने जो है XPG A डेटा की तरफ से आने वाला 512GB का M.2 NVMe SSD को यूज किया है, क्योंकि इसमें जो है ना आपको रीड एंड राइट स्पीड बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि रीड 2100 मेगाबाइट पर सेकंड का रीड और 1500 मेगाबाइट पर सेकंड का राइट स्पीड आपको देखने को मिलता है, जिससे कि आपका कोई भी डेटा ट्रांसफर करोगे या भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे ना, तो बहुत ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसका जो है बूटअप टाइम भी बहुत ही फास्ट आपको देखने को मिलेगा। कोई भी गेमिंग करोगे या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर चलाओगे तो वो भी बहुत ही अच्छा इसमें चलेगा। इसके साथ ही इसमें आपको जो है 3 साल का वारंटी आपको मिलता है। इसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जहां से आप ऑनलाइन घर बैठे इसको खरीद सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आपको जो है पावर सप्लाई यूनिट आपको जो है कौन सा यूज करना चाहिए। तो देखो, पावर सप्लाई यूनिट के लिए हमने जो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 450 वॉट का पावर सप्लाई यूनिट का यूज किया है, जो कि आपको 2500 से लेकर 3000 के बीच में आपको जो इजीली आपको मिल जाएगा। और ये वाला जो पावर सप्लाई यूनिट है ना 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड यह पावर सप्लाई यूनिट है और इसमें जो है 120mm का साइलेंट हाइड्रोलिक बेयरिंग वाला फैन इसमें लगा हुआ है। बहुत सारे आप पावर सप्लाई यूनिट देखोगे जो कि कुछ साल चलने के बाद ना उसमें घर घर जैसा आवाज आने लगता है, लेकिन इसमें जो है साइलेंट हाइड्रोलिक बेयरिंग वाला फैन लगा हुआ है, जिससे कि अगर आप जो है जितने साल भी चलाओगे तो फैन से जो नॉइज आता है वो आपको जो है इस पावर सप्लाई यूनिट में बिल्कुल ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो है ब्लैक फ्लैट केबल इसमें आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही इस पावर सप्लाई यूनिट में आपको जो है 6 से ज्यादा वोल्टेज प्रोडक्शन इसमें दिया गया है और इसमें भी आपको जो है 3 साल का वारंटी मिलता है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी आप पावर सप्लाई यूनिट ले रहे हो ना वो कम से कम आपका जो है 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड आपका पावर सप्लाई यूनिट होना चाहिए, जिससे कि अगर आप जो है 15 से 16 घंटे भी कंटिन्यू अगर आपका काम करते हो तो आपको जो है PC में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आता है। अब जान लो कि आपको जो है कीबोर्ड और माउस आपको कौन सा लेना चाहिए और 1000 रुपये से 1500 के बीच में जो है अच्छा कीबोर्ड माउस आपको मिल जाएगा। सभी का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। लेकिन अगर आपको जो है फ्री में RGB कीबोर्ड और माउस चाहिए तो अगर आप जो है TechPC7 से लेते हो तो आपको हमारी तरफ से आपको जो है फ्री में आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कैबिनेट आपको कौन सा लेना चाहिए। तो देखो, कैबिनेट भी RGB कैबिनेट आपको 2000 से 5000 रुपये के अंदर में मार्केट में बहुत सारा मिल जाएगा। जो जो बेस्ट RGB कैबिनेट है सभी का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। लेकिन अगर आप जो है ये वाला जो है RGB कैबिनेट अगर आप लेना चाहते हो तो जो है TechPC7 से अगर आप जो ऑर्डर करोगे तो आपको यही वाला जो है बजट सेगमेंट में आपको जो है RGB कैबिनेट आपको मिल जाएगा। अब देखो, ये वाला PC बिल्ड अगर आप जो है हमसे लेते हो तो अभी जो मैंने आपको जो कॉन्फ़िगरेशन बताया उसका प्राइस है आपका 34,250। रुको, आगे भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। उसका प्राइस है 34,250, जिसमें कि अगर आप हमारा कूपन कोड अगर आप यूज़ करोगे TGBX500 तो आपको फ्लैट 500 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपको जो है अभी भी लग रहा है कि मेरा दाम ज़्यादा लग रहा है, मुझे जो है प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो इसमें आप जो है जो हमने बताया था कि आपको जो है 30,000 पड़ेगा, तो इसमें जो है आप जो है रैम को और अपना जो स्टोरेज जो SSD है उसको आप कम कर सकते हो। इसमें हमने 16GB का रैम लगाया है तो उसके जगह आप 8GB का रैम लगा सकते हो और स्टोरेज के लिए हमने 512GB का M.2 NVMe का SSD लगाया है तो उसके जगह आप 256GB का M.2 NVMe आप यूज़ कर सकते हो। उसके साथ ही अगर आपको और भी प्राइस लो करना है तो ये वाला कैबिनेट छोड़ के कोई भी बजट सेगमेंट का भी कैबिनेट आप यूज़ करोगे तो भी आपका प्राइस 30,000 से और भी कम हो जाएगा। अब देखो, अगर आप हमारी बात मानो तो जो PC कॉन्फ़िगरेशन हमने बताया है वैसा ही लो। 3 से 4 हज़ार रुपये के चक्कर में अपना जो है परफॉर्मेंस को लो मत करो। 3 से 4 हज़ार रुपये ज़्यादा लग रहा है, उसमें आपका परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। सभी चीज़ का लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप घर बैठे ऑनलाइन आप खरीद सकते हो।